हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं क्यू एंड ए सीरीज। पहली क्वेरी पारुल सिंह जी की है। अमन जी, आईएम चौराहे के पास प्लॉट का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है क्या? आ रहा है तो लोकेशन क्या है? अभी अप्रूवल्स नहीं आए इसलिए बात करना सही नहीं है। बस इतना बता सकता हूँ कि स्प्रिंग ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है जो आईएम रोड पे आ रहा है। प्लॉट्स की टाउनशिप, प्लॉट्स एंड विलास की टाउनशिप रहेगी और अभी अगर अप्रूवल आ जाते हैं उसके बाद में लोकेशन और पूरी कंप्लीट डिटेल पे बात करेंगे। आईएम रोड पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है और उस लोकेशन पे प्लॉट्स एंड विलास का डिमांड एक अच्छा डिमांड है वहाँ पे। तो मुझे लगता है अगर सही प्राइस पे लॉन्च करेंगे, ग्रुप अच्छा है, ऑलरेडी डिलीवरीज कर चुके हैं पिछले मतलब कई प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं, तो रेनाउंड ग्रुप है, अच्छा ग्रुप है, फाइनेंशियली मजबूत है, तो अगर अच्छा रेट पे लॉन्च किया तो इन्वेस्टर्स को रिटर्न भी मिलेगा और एंड यूजर्स को टाइमली अपने पोजीशन भी मिलेगा और अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ आपको हैंडओवर भी मिलेगा आईएम लोकेशन पे। आशर्मी शॉर्ट्स करके इस नाम से क्वेरी है। अंसल में सेक्टर एच में 4000 रुपीज स्क्वायर फुट के रेट से प्लॉट लिया है। नेक्स्ट वन ईयर में कितना रेट जा सकता है वहाँ का? रिशिता मलबरी हाइट्स से 300 मीटर आगे है प्लॉट। लोकेशन बहुत ही अच्छी है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 15% का रिटर्न एक साल से डेढ़ साल के टाइम में मिलना चाहिए और अगर बेस्ट केस सिनेरियो बात करूँ तो मुझे लगता है इसे 20% का रिटर्न भी निकल सकता है। मतलब 4000 जो स्क्वायर फुट का रेट का प्लॉट है ये अप्रॉक्सीमेटली 4600 से 4900 तक जाना चाहिए अगले डेढ़ से दो साल के अंदर, और एक साल का टाइम फ्रेम है तो लगभग 12-15% तो कहीं नहीं है। विपुल पाठक जी की क्वेरी है, इस ओकास रेजिडेंसी सेफ कंसीडरिंग 6 or 7 बिल्डर्स मेकिंग इट और मलबरी हाइट्स विल बी अ सेफर इंस्टेड? प्राइस ऑफ 3 BHK ऑफ ओकास इज ऑलमोस्ट सेम एज 2 BHK ऑफ मलबरी। 2 BHK इज ओके विद अस, कंफ्यूज एंड नीड योर सजेशन, वी वांट ओनली माईवैन। माईवैन से इनका मतलब है कि माईवैन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पे के जो प्रोजेक्ट्स हैं सिर्फ उसी पे जाना चाहते हैं, जो नॉर्मल ब्रिकवर्क वाले प्रोजेक्ट्स हैं उस पे इंटरेस्टेड नहीं है। और सुशांत गोल्ड सिटी में 2 ही ऑप्शंस हैं अभी इस जो इस तरीके का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, इस तरीके का कंस्ट्रक्शन टेक्निक पे काम कर रहे हैं, वो एक रिशिता मलबरी हाइट्स और दूसरा है ओकास रेजिडेंसी। ओकास जब तक 3300 रुपये, 3600 रुपये, 4000 रुपये, 4100 रुपीज तक के प्राइस पे था, इनफैक्ट 4200 रुपीज के प्राइस तक था, तब तक तो बहुत अच्छा बाय था इन टर्म्स ऑफ कि उसमें 5-6 ग्रुप्स और बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन अभी लंबा चलेगा। लेकिन जब 4700-4800 रुपीज पर स्क्वायर फुट के रेट पे अगर मैं बात करूँ, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कंपेयर करूँ, तो रिशिता के साथ में एक एडवांटेज है कि पूरा एक गेटेड कैंपस है, बहुत बड़ा ग्रीन एरिया है, एमिनिटीज उनकी अच्छी है, तो जो प्राइस पॉइंट वो चार्ज कर रहे हैं रिशिता मलबरी हाइट्स में, मुझे लगता है वो ज़्यादा वैलिड है कंपेयर टू ओकास जो इस समय प्राइस चार्ज कर रहा है। ये ओकास के साथ एडवांटेज है कि पोजीशन जल्दी मिल जाएगा और रिशिता में पोजीशन अभी कम से कम 4 साल 5 साल का टाइम कम से कम लगने वाला है, तो जिनके पास टाइम फ्रेम है वेट कर सकते हैं, वो डेफिनेटली मलबरी हाइट्स को कंसिडर करें, और जो वेट नहीं कर सकते हैं और इस प्राइस पॉइंट पे ओकास सोच रहे हैं तो मुझे लगता है सिर्फ वही लोग ओकास पे इस समय फोकस करें जिनको हार्ड कोर पोजीशन बिल्कुल नहीं वेट कर सकते एक साल से ज़्यादा या 8-10 महीने से ज़्यादा। नहीं तो करेंटली जिस प्राइस पॉइंट पे ओकास है, जिस तरीके की एमिनिटीज और जिस तरीके के पूरे लेआउट प्लान के साथ इस समय ओकास जिस प्राइस पे है, ओकास रेजिडेंसी, वो एक थोड़ा कॉस्टली अफेयर है। अस्तित्व जायसवाल जी की क्वेरी है, सनफ्रान स्टेट सुल्तानपुर रोड पर उसमें विला लेना कैसा रहेगा? सनफ्रान स्टेट एक अच्छा ग्रुप है। सनफ्रान झांसी में तो काफ़ी बड़ा नाम है, जैसे लखनऊ में शालीमार, वैसे सनफ्रान का काफ़ी अच्छा रिनाउंड नेम है झांसी की तरफ लोकेशन में। लखनऊ में बिल्कुल इतना बड़ा कुछ काम नाम नहीं है। एक टाउनशिप बहुत अच्छी लोकेशन पे लेकर के आए हैं, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत छोटा प्रोजेक्ट है और उसमें उन्होंने विलास बना दिए, वो भी छोटे प्लॉट साइज पर डुप्लेक्स विला निकले, तो वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड सी फील आता है। जिन लोगों को एक छोटे रो हाउस या छोटे एक यूनिट, एक अपनी खुद की ज़मीन, अपना खुद का छत वाला कॉन्सेप्ट है और उनकी फैमिली बहुत बड़ी नहीं है, 2 BHK 3 BHK उनके लिए मोर देन सफिशियंट है,
प्लॉट साइज लगभग 600 से 800 स्क्वायर फुट का उनके लिए मोर देन गुड है, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है। लेकिन जिन लोगों का रेंज अबव है, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, एक अच्छी एम्यूनिटीज चाहिए, पूरे प्रोजेक्ट का एक एम्बियंस बहुत अच्छा चाहिए, तो उन लोगों के लिए प्रोजेक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। येस डेफिनेटली लोकेशन अच्छी है, बिल्डर बना बहुत स्लो रहा है, बावजूद के नाम बहुत अच्छा है लेकिन बहुत काम में तेजी नहीं है, काम जरूर चल रहा है, इतना छोटा प्रोजेक्ट है बहुत जल्दी बन जाना चाहिए था लेकिन अभी भी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो नो डाउट के बन जाएगा, कहीं पोजिशन को लेके इशू नहीं है, लेकिन एमिनिटीज के नाम पे बहुत कुछ अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, कंजेस्टेड प्रोजेक्ट है, बहुत छोटी यूनिट्स है, सटी हुई यूनिट्स हैं, विला बोलना या रो हाउस भी ज़्यादा बेटर अच्छे होते हैं बेसिकली, तो 80-90 लाख रुपीज़ के रेंज में इतनी छोटी यूनिट लेना मेरे को नहीं समझ में आता, लेकिन फिर भी अगर आप हार्डकोर फैन हैं प्लॉट और विला के तो फिर आप इसको कंसिडर कर सकते हो। योगेश अवस्थी जी की क्वेरी है, व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ग्रीनबेरी सिग्नेचर सिंस द बिल्डर इज नॉट रेनाउंड एंड बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ऑल्सो इन अपकमिंग डेज व्हाट कुड बी अप्रिसिएशन वैल्यू। मुझे ऐसा लगता है सर कि देखिए बिल्डर रेनाउंड अपने काम से होता है, बहुत सारे नए ओकास को कोई नहीं जानता था 2019 से पहले, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, तो गुडविल अपने काम से बनता है। और ग्रीनबेरी ने भी पिछले 2 साल में कोविड जैसे टाइम में, हार्ड टाइम्स में, जितनी तेजी से फेज वन का कंस्ट्रक्शन खींचा है, बहुत अच्छे से उन्होंने प्राइस अप्रिशिएट करे हैं और काम भी बहुत अच्छा खींचा है पिछले कुछ 2 साल के टाइम फ्रेम में। और इस बिल्डर के साथ में ये है कि पहले कई प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर किए हुए हैं लेकिन कुछ पार्टनर्स थे, 4-5 लोगों का ग्रुप था, अब सब अलग हो गए, तो अलग होने के बाद ये स्टैंड अलोन अपने अपने खुद के दम पे एक प्रोजेक्ट रेडी किया, इतना एक अच्छा फेज वन में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अभी, तो नो डाउट के प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, डिलीवरी मिल जाएंगी, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। रही बात एप्रिसिएशन वैल्यू की, तो मुझे लगता है कि 50 से 55 के रेंज के 2 BHK होंगे आने वाले कुछ 2 से 2.5 साल में। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि सिर्फ 2 BHK हैं, तो सिर्फ 2 BHK होने से इन्वेस्टर या एंड यूजर का एक कैप आ जाएगा। 2 BHK बाजार अभी लखनऊ इतना आगे एडवांस नहीं हुआ है कि उस लोकेशन पे 2 BHK के प्रोजेक्ट में लोग 60-70-80 लाख रुपीस खर्च कर दें, तो मुझे लगता है क्योंकि 3 BHK का ऑप्शन है ही नहीं इस प्रोजेक्ट में, सिर्फ 2 BHK का ऑप्शन है, एक ही साइज है पूरे प्रोजेक्ट में, तो इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा 50 से 55 के ऊपर ये प्रोजेक्ट नहीं जाएगा, अप्रिशिएट नहीं करेगा, ये इसका मैक्सिमम रेंज है मुझे ऐसा लगता है। और उस लोकेशन पे बहुत सारी इन्वेंट्री के ऑप्शन है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स और आगे आते रहेंगे, तो एप्रिसिएशन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से आप जा रहे हो या रेंटल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जा रहे हो तो आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। साकेत रंजन जी की क्वेरी है, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन सनराइज रिवर वैली प्रोजेक्ट लखनऊ, शुड आई बाय इट और नॉट। सर अनअप्रूव्ड किसी प्रोजेक्ट पे बात करना सही नहीं है, अगर मैं बार बार हमेशा रिपीट करता हूँ फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका रिस्क एपेटाइट है, आपको लगता है मैं इतना रिस्क उठा सकता हूँ, अप्रूव में जा सकता हूँ, रिटर्न्स मिल जाएंगे तो बिल्कुल जाएं, लेकिन अगर आप रहने के पर्पज से देख रहे हैं तो जितना भी ल्यूक्रेटिव क्यों ना हो, आज हो सकता है प्रॉब्लम ना हो, आने वाले टाइम में हो जाए, बिल्कुल भी कंसिडर ना करें अगर आप रहने के पर्पज से देख रहे हैं तो। अर्चना सिंह जी की क्वेरी है, प्लीज टेल मी अबाउट गेटेड कॉलोनी रो हाउसेज, बजट कैन बी इंक्रीज बट सेफ्टी सिक्योरिटी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मस्ट बी गुड, शहीद पथ इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। बेसिकली पिछले Q&A में मैडम की क्वेरी थी और बजट भी बढ़ सकता है, और फिर से उन्होंने उसी को क्वेरी को आगे लेके गए हैं, प्लॉट विला ढूंढ रहे हैं, बजट लगभग 90-80 लाख तक जा सकता है। ओरो काउंटी मेरे दिमाग में सबसे पहली टाउनशिप आती है, सेफ है, सिक्योर है, 2-2.5 साल में पोजीशन हैंडओवर हो जाएगा, पार्क्स, एमिनिटीज, लोकेशन भी बहुत अच्छी डिसेंट लोकेशन है। इन टर्म्स ऑफ लखनऊ के एस्पेक्ट पे जानकीपुरम सोचेंगे तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम तो लखनऊ में अगर हम एक ऐसी लोकेशन की बात करें जहाँ पे सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सारी चीज़ें ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, तो फिर उस लिहाज से अगर उस प्रोजेक्ट को देखेंगे तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छी लोकेशन पे प्रोजेक्ट है। इसके साथ ही साथ में आप आने वाले टाइम में एल्डिको इम्पीरिया में कुछ और विलास के ऑप्शन आने वाले हैं 2 से 3 महीने में, थोड़ा आउटर लोकेशन है, बजट में भी ओवरली प्राइज्ड होगा, लेकिन अगर आप एल्डिको के फैन हैं और एल्डिको की ब्रांड वैल्यू के साथ जाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन 3 महीने बाद ऐड हो जाएगा विला में, 80 लाख से 1 करोड़ की रेंज में जाएंगे विला डुप्लेक्स वाले,
और अगर मैं बात करूं तीसरे प्रोजेक्ट की, तो ओमेगा सन सिटी एक प्रोजेक्ट है फैजाबाद रोड पे, शालीमार मन्नत के पीछे, लोकेशन बाराबंकी लग जाती है, अगेन एक आउटर लोकेशन है। लेकिन इन तीन कंपनीज के अलावा, इन तीन प्रोजेक्ट्स के अलावा मुझे नहीं लगता कहीं विला का ऑप्शन मिलेगा जहां आपको लोन भी मिल जाएगा, टाइमली पोजिशन भी मिलेगा, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी ओके ओके अच्छी ठीक ठाक मिल जाएगी, और आपको टाइमली पोजिशन के साथ आपको आने वाले टाइम में कुछ रिटर्न भी मिल जाएंगे। तो यही दो तीन ऑप्शंस हैं जहाँ विला मिल रहे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं, टाइमली सारी चीज़ों को फॉलो हो रहा है, रेरा गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है इन कंपनीज में, और मेरे हिसाब से यही तीन एक ऑप्शन है अभी। अनफोल्ड योरसेल्फ करके कमेंट है, कैन यू प्लीज कमेंट ऑन विवासा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। एवरेज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है इस समय किसी भी बिल्डर की लखनऊ में, कोई बहुत खास अबव एवरेज या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी नहीं है, अभी कोई इश्यूज नहीं है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है जिस तरीके से पूरे प्रोजेक्ट को बनाया, जब लोग आ जाएंगे, पॉपुलेशन आ जाएगी, तो कंसर्न सारे ही प्रोजेक्ट में जितना पैसा है बिल्डर ले रहा है उस हिसाब से जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है आज के टाइम पे। तो एक एवरेज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, ना कोई बहुत अच्छी है ना कोई बहुत बुरी है, लेकिन डेफिनेटली ओमेक्स से बहुत अच्छी है इस समय। ओमेक्स के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उससे काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। अनिकेत गुप्ता जी की क्वेरी है, ओमेक्स मेट्रो सिटी में प्लॉट लेना चाहिए? मैंने कई बार बोला है अगर रेरा रजिस्टर्ड ऑप्शन पे आप जा रहे हो, अलॉटेड है ऑलरेडी प्लॉट, अलॉटेड है किसी से, रीसेल में आप परचेज कर रहे हैं, डायरेक्ट कंपनी से आप परचेज कर रहे हैं जिसमें रेरा आ चुका है, अच्छी पॉकेट है, किसान पथ के आसपास है, तो बिल्कुल ले लें, कोई इशू नहीं है अगर आपके पास टाइम फ्रेम है अगले 5-6 साल का। लेकिन अगर आप एकड़ स्कीम की बात कर रहे हैं जिसमें पैसा पहले जाना है, अभी मालूम नहीं है आगे चल के क्या अलॉटमेंट मिलेगा क्या नहीं होगा, तो बिल्कुल भी ना लें आप अपने, मतलब आप बहुत बहुत ज़्यादा रिस्क अपने इन्वेस्टमेंट के साथ कैरी करेंगे सर। अनिल सिंह जी की क्वेरी है, काइंडली मेक वीडियो ऑन निशिता मलबरी हाइट्स एंड वन ओक नेचुरा, प्लीज ऑल्सो रिव्यू द करेंट प्राइस, इज इट जस्टिफाइड? मुझे लगता है सर कि बिल्कुल इस पर मैं वीडियो करूंगा, इसके साथ में मैं एक और ऐड कर देता हूँ इन्हीं दोनों ऑप्शन के साथ, ओकास रेजिडेंसी के बारे में भी अगर हम बात करें तो ओकास को भी ऐड कर लेते हैं। अगर इन तीन का आज करंट मुझे एक रेट करना हो तो मैं नंबर वन पे निशिता मलबरी रखूंगा, नंबर टू पे नेचुरा रखूंगा, नंबर थ्री पे ओकास रखूंगा, बिकॉज प्राइस पॉइंट पे मलबरी मुझे लगता है जो एक्सक्लूसिविटी मलबरी में मिलेगी जब भी प्रोजेक्ट पोजिशन में आएगा, 4 साल 5 साल 6 साल, मुझे लगता है ये विंडो 4 से 6 साल का है, 4 से 6 साल के टाइम में जब ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा 70% शेप ले चुका होगा तब मलबरी को जो एक्सक्लूसिविटी मिलेगी, ये सिर्फ 3 एकड़ के पैच पे नहीं है, 2 एकड़ के पैच पे नहीं है, ये 16 एकड़ एक बड़े लैंड एरिया पे प्रोजेक्ट, बड़ा क्लब होगा, बड़ी एमिनिटीज होंगी, अच्छे बड़े ग्रीन एरियाज होंगे, पूरा प्रोजेक्ट माइवेंट पे बना है और चारों तरफ से बाउंड्री हुई होगी, लोकेशन बहुत अच्छी है, पॉकेट सी लगती है। तो ओवरऑल आने वाले टाइम में अगर मलबरी को टाइम दिया जाएगा और इस टाइम पे एंट्री लिया जाएगा 5 साल के टाइम फ्रेम के साथ, 5 से 5.5 साल के टाइम फ्रेम के साथ, मुझे लगता है प्रोजेक्ट 6500 से 7000 रुपये का रेट पे जाएगा। और रही बात वन ओक की, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, मॉडल बहुत अच्छा है, ब्रोशर्स बहुत अच्छे हैं, बना रहे हैं जो एमिनिटीज जो हैं उनके नाम बहुत फैंसी कर दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं वो वन ओक में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फैंसी है। यस बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन अगेन मुझे बार बार प्रॉब्लम है वन ओक में कि पहले वाले प्रोजेक्ट का पोजीशन नहीं मिला है, एक सिंगल टावर का प्रोजेक्ट डिले हुआ, प्रोजेक्ट में पोजीशन डिले हुआ है, अभी भी बना नहीं है, 1 साल से 1.5 साल का टाइम अभी भी है उस प्रोजेक्ट की डिलीवरी में, और ये वाला प्रोजेक्ट जो है ये काम बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन जब तक आप पोजीशन नहीं देते हो तो डाउट रहता है। रिशिता ने सेलिब्रिटी ग्रीन दे दिया है, मैनहट्टन का पोजीशन शुरू करने की स्टेज पे आ गए हैं, और मलबरी हाइट्स में भी सिंगल टावर का पोजीशन है का वो अगले 8-9 महीने में शायद उस कंडीशन पे ले आएंगे जहाँ पे बोलने में अच्छा लगेगा कि पोजीशन दे रही है रिशिता। तो यस मेरे हिसाब से इन तीन प्रोजेक्ट्स में अगर मैं बात करूं तो बाकी तो आगे चल के बात करेंगे, लेकिन क्यू एंड ए के हिसाब से अगर मुझे बात करनी हो तो मलबरी हाइट का रेट मुझे जस्टिफाई लगता है, वन ओक मुझे थोड़ा कॉस्टली लगता है, और ओकास आज के टाइम पे विथ करंट सेटअप और विथ करंट जो ऑफर कर रहे हैं वो जिस तरीके के लिए बहुत ही महंगा लगता है। शरद अग्रवाल जी की क्वेरी है, आई विश टू बाय अ 3 BHK फ्लैट ऑफ 1852 स्क्वायर फुट एट चंद्रा पैनोरमा रेडी टू मूव टावर, कुड यू प्रोवाइड अस विद अ गुड डील एंड रेट्स एंड प्लीज इन्फॉर्म इफ द प्रोजेक्ट इज गुड? प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, मैं चंद्रा पैनोरमा रीसेल में कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 110 से 120 का प्राइस पॉइंट होगा वहाँ पे आज के टाइम पे, जो 1852 स्क्वायर फुट के 3 BHK की यूनिट्स हैं, या अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.2 का विंडो आप लेके चले, रीसेल में एक पर्टिकुलर प्राइस बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 1 से 120 का अगर आपका प्राइस पॉइंट है तो आप आराम से इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। टावर P2 और P3 मेरे हिसाब से बेस्ट हैं, डिपेंड करता है लोकेशन, बालकनी का फेसिंग क्या है, ये सब फैक्टर डिफाइन करेंगे कि आप 1, 1.5, 1.10, 1.20 कहाँ जाके नेगोशिएशन रुकेगा या उस यूनिट का क्या प्राइस होना चाहिए एग्जैक्ट। चंद्रा पेनोरमा से अच्छा आज भी 3 BHK या 2 BHK मुझे कुछ नहीं लगता पूरे सुशांत गोल्ड सिटी में। मलबरी हाइट एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, और अभी एक फ़िलहाल के लिए एक और एक बहुत अच्छा ऑप्शन वहाँ पे आने वाला है बहुत जल्दी, एक बहुत अच्छी लोकेशन पे 1.20 से 1.80, 1.90 के बजट में। तो अच्छी इन्वेंट्री आ रही है, बहुत टाइम बाद सुशांत गोल्ड सिटी में अच्छी इन्वेंट्री आ रही है। अभी चंद्रा पेनोरमा की मोनोपली थी, आने वाले 3 से 4 साल में मलबरी हाइट के आने के बाद और जो नया अभी एक प्रोजेक्ट बहुत जल्दी आने वाला है, इन दोनों प्रोजेक्ट के आने के बाद लोगों के पास जो हाई एंड अपार्टमेंट्स में जाना चाहते हैं 1.10 से 1.30, 1.80, 1.90 के बजट में अच्छी लोकेशन में और उस पूरे विसिनिटी को इंजॉय करना चाहते हैं, तो 2-3 अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं। मुझे लगता है आज के लिए मैंने सारी क्वेरीज कवर कर ली हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टीम अमन चावला की प्रोफाइल को हर सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो करें और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच।